सो हर इंसान की लाइफ में एक टाइम आता है जब उसे करना होता है अपग्रेड, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कैमरा हो। तो हिंट मिल गया? नहीं मिला? रुकावट के लिए खेद है, इतनी जोर से बारिश आ गई थी कि कुछ ऑप्शन भी नहीं था। सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है कुछ अलग टाइप का। आज कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं होगा, आज होगा खाली अनबॉक्सिंग। वैसे तो मेरा प्लान था कि ऊपर ही कर लूँ, लेकिन ऊपर मौसम ऐसा है, सो नई नई चीज़ें ऐसे बारिश में नहीं बिखाते। हाँ जी, तो पहले खोलते हैं, इसमें देखते क्या है। ओके, तो हाँ जी, तो इसमें है गोरिल्ला पॉड, ये सब है व्लॉगिंग सेटअप के लिए, और ये भी गोप्रो का कवर होगा। ओके, फिर उसके बाद आता है बोया का माइक, जो ये एक्सटर्नल माइक है वो लगेगा इसके ऊपर यहाँ पे। तो ये सब सेटअप मैं बाद में करके दिखाऊंगा, माइक को भी बाद में खोलेंगे। तो अभी सबसे मेन और ज़रूरी चीज़ जो है हीरो गोप्रो 7, तो इसको थोड़ी देर साइड में रख देते हैं, उससे पहले देख लेते हैं जो ये ASUS का TUF गेमिंग लैपटॉप, 8GB रैम, 1TB हार्ड डिस्क और क्या है, पहले एक बार एक खुल तो जाए। सो ये अंदर से कुछ दिखता है ऐसा, तो अभी इसको ऑन करके देखते हैं। TUF गेमिंग, वैसे ये 15.6 इंच का है, इसमें एक 17.6 भी आता है, इसका रेट होगा कुछ 54 या 55, मुझे ये पड़ा है अमेजोन से 46 समथिंग में। तो मैं ऑलरेडी इसको कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, तब तक के लिए इसको रख दो साइड में। तो अब आते हैं हीरो गोप्रो 7 पे। हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन जो कि इसकी खासियत है, ये हो गई वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल, और एक एल माउंट, एक सीधा माउंट, और एक यूएसबी केबल चार्जिंग, और एक अंदर है बैटरी। और बैटरी इसकी सेम है जो हीरो 5 हीरो 6 में लगती है। सो इसका प्राइस है कुछ लगभग 32 से 35, पर अभी मैंने लिया इसको 28.5 में। सामने स्क्रीन नहीं आया, अभी नया नया हीरो पहली बार में हैंग हो गया, बताओ। तो ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन इशू है हर कैमरे में GoPro के। तो इसके लिए आपको एक बार बैटरी निकालनी पड़ेगी और उसके बाद। सो मेन डिफरेंस इस बार शायद ऑन हो जाए, हाँ जी इस बार हो गया, और इधर आ रहा है नो SD कार्ड, बैटरी 100%, डिस्प्ले भी आ चुका है। तो जो चीज़ बच गई थी बोया का एक्सटर्नल माइक, इसको भी खोल के देख ही लेते हैं। तो ये बोया के माइक में हमको मिला है एक पाउच, और ये है माइक डेथकैट, इससे जो विंड नॉइज हो जाती है वो कम हो जाती है। तो ये है इसका माइक, ओहो इसमें कोई बैटरी नहीं लगती, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका यही है, नहीं तो अक्सर लोग कैमरा ऑन कर लेते लेकिन माइक ऑन करना भूल जाते हैं। तो ये लगेगा अपने कैमरे में अडाप्टर के थ्रू, और अगर आप GoPro यूज़ करते हो तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना आप माइक एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं कर सकते हो। सो जो अपना GoPro का कवर था, ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा था, ये है कंप्लीट व्लॉगिंग सेटअप। जो लोग DSLR यूज़ नहीं करना चाहते वो ये सब यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपना कैमरा लगा दीजिए इसमें। तो अब इसको लगा के देखते हैं, और अगर आप नीचे लगाना चाहते हैं तो आप ये ट्राईपॉड भी लगा सकते हैं ऐसे। सो अभी ये सेटअप टेस्ट करने बाहर चलना पड़ेगा।
तो ये है साइड बाय साइड कंपैरिजन हीरो 5 और हीरो 7 का। तो ये वाला कैमरा जो है ये इसमें मैंने लगाया हुआ है हीरो 5, और इस वाले कैमरे में लगाया हुआ है ये है हीरो 7। सो डिफरेंस आ ही रहा होगा क्वालिटी में। स्टेबलाइजेशन हीरो 7 की ज़्यादा सही है कंपेयर टू हीरो 5। हीरो 5 हीरो 6 दोनों अब फिलहाल मार्केट में बंद हो चुके हैं। अभी आते हैं हीरो 7 के, हीरो 7 सिल्वर, हीरो 7 वाइट और हीरो 7 ब्लैक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी। इसका इनबिल्ट माइक तो बहुत ही सही है जो अभी आप सुन रहे हो, ये है हीरो 7 का इनबिल्ट माइक और ये है हीरो 5 का इनबिल्ट माइक। इसमें ज़रा सा विंड नॉइज ज़्यादा होगा। सो ये जो व्लॉगिंग सेटअप है बोया का एक्सटर्नल माइक जो आपको मिल जाएगा 1500 to 1800 के बीच, और ये ट्राईपॉड ये मिल जाएगा आपको लगभग 400 to 500, और जो ये गोप्रो का केस है ये आ जाएगा लगभग 800 to 1000 में। सो टोटल आपका खर्चा हो जाएगा कुछ 2000, और उसके बाद आपका डिपेंड करता है कैमरे पे कि आप कौन सा लेते हो, हीरो 7 सिल्वर वाइट या ब्लैक। ब्लैक पड़ेगा आपको 28 तक। आपका 30K में व्लॉगिंग सेटअप पूरा रेडी हो जाएगा, और ये स्टार्टिंग में आपको कुछ ऑड भी नहीं दिखेगा क्योंकि इसका साइज़ बहुत स्मॉल है। और स्टार्टिंग में आई डोंट थिंक कि अगर आप हीरो 7 ले रहे हो तो आपको एक्सटर्नल माइक की ज़रूरत भी है। हाँ, अनलेस अगर आप मोटो व्लॉग करते हो तो उस टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि विंड नॉइस 80 to 90 km/h पर आवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैं स्विच हो चुका हूँ हीरो 7 पे, और ये वीडियो यहीं तक ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बेल आइकॉन दबा दो, और अगर दोनों काम कर रखे है तो एक छोटा सा कमेंट कर दो कि वीडियो कैसी लगी। और अगर ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं चाहिए तो भी बता देना। और हीरो 7 का कंप्लीट रिव्यू कि वो कैसा है और आपको लेना चाहिए कि नहीं, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता क्योंकि मैंने अभी इसको यूज़ करे हुए ही मुश्किल से 1 घंटा हो रहा है। तो ये सब मुझे पता चलेगा कल के बाद, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ बैंगलोर। अब मैं बैंगलोर कैसे जा रहा हूँ वो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, बस मैं इतना बता सकता हूँ कि ना मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, ना मैं प्लेन से जा रहा हूँ, ना मैं बाइक से जा रहा हूँ, ना मैं कार से जा रहा हूँ, और ना ही मैं बस से जा रहा हूँ। तो अभी बचा क्या, पैदल? मैं पैदल में नहीं जा रहा हूँ। तो वो सब देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए बाय।